अलहमदिल्ला रसम बिस्मिल रही सरा ट्वेंटी सिक्स द पोइट्स वर्स वन सेवेंटी सिक्स शोब कजबा अब कतिल मुरसलिन यानी कि अल्लाह ने पीपल ऑफ़ असहाब के सामने सुएब नबी को भेजा ऐसा मैसेंजर और सोएब रसूल ने कहा उनसे कि तुम लोग अच्छे इंसान नहीं बनोगे अल्लाह तत्तकुन तक यानी तकवा के साथ में तकवा एक राइटियस पर्सन जो परहेजगारी के साथ रहता है और उसने क्या किया, किया कि मैं तुम्हारे पास में एक ऑनेस्ट रसूल बना के भेजा गया हो रसूलुन अमीन अमीन यानी ऑनेस्ट यूसेल रेवरेंस गॉड एंड ओबेमी इताद करना बोलते हैं ना जिसको हम ये वर्ड है इतात करना यानि ओबे करना फत तकुल्लाून इताहत करना वा यानी यानि इताहत करना ये यह यहाँ से अरबी में से आया हुआ अल्फाज उर्दू में फ़त यानी यानि तकवा यानि अल्लाह के ऊपर याद करना अल्लाह को ओबे करना डेडिकेट करना अपने आप को तकवा रखना और मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता मेरा जो बदला है वो पूरे जहाँ का परवरदिगार है वहाँ से आता है और जो भी तुम दो उसको पूरा मेजर करके पूरा माप के दो उसमें किसी के साथ चीटिंग या धोखा मत करो यानी उनकी जो कौम थी वो क्या करती थी जो हम कई चीज लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं कि हमको सामान कम देते एक किलो अगर तुमने खरीदी की तो वो तुमको एट हंड्रेड ग्राम दिया उसने एक किलो से कम दिया लेकिन पैसा पूरा एक किलो का लिया तो वो जो चीज है वो गलत है हालांकि जो जो तुम तुम चीज़ कर रहे तो रहे हो हो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख वो गलत नहीं है लेकिन तुमने एक किलो उसको देने को कहा और तुमने वन के नहीं दिया तो वो चीटिंग है ये हर बिजनेस में लागू होता है सिर्फ शाग भाजी और ये खरीदने के लिए ये नहीं लागू होता है यानी कि कोई तुम बिजनेस कर रहे हो उसमें तुमने किसी को एग्रीमेंट करके दिया कि मैं तुम्हें इतना रिटर्न दूंगा और वो एग्रीमेंट के बाद में तुम अपनी जुबान से फट जाते हो या उसमें कोई चीटिंग करते हो जो सामने वाले को मालूम नहीं होता है तो वो भी गलत बात है यानी कि जैसे हमारा ट्रेडिंग का है तो अगर हम ट्रेडिंग में किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम तुम्हें इतना प्रॉफिट देंगे और वो प्रॉफिट हम नहीं देते या फिर उसमें हम कुछ चीटिंग करते हैं या वो करते हैं या उसको ये बोलते हैं कि इसमें हंड्रेड परसेंट तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा हालांकि ये बिजनेस में हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट नहीं होता उसमें रिस्क रहता ही है तो वो क्या होता है क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है और फिर हमें हमको वो ट्रस्ट करके वो देता है कि मेरा तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होने वाला है हालांकि वो पैसा वो लोन से लेता है या कितनी ज़रूरत से कुछ होता है और तुम उसके साथ में चीटिंग करते हो तो वो क्या होता है बिजनेस में एथिक्स का हिसाब से नहीं होता वो तो वो गलत होता है तो वो भी चीटिंग ही होता है या फिर हम उसको कुछ दिखा कुछ और रहे और कर कुछ और रहे यानी कि जो हम दिखा रहे वो रियल में नहीं हो रहा जो हम उसको दिखा रहे वो रियलिटी में नहीं हो रहा तो वो भी गलत है तो यानी कि तुम जो लॉस है वो नहीं दिखा रहे हो उसे प्रॉफिट दिखा रहे हो और उसको वो भी चीटिंग हो यानी कोई भी टाइप का चीटिंग तुम्हें नहीं करना है जो भी करना है वो सच्चाई के साथ में जो भी बिजनेस करना है वो करना ऐसा नहीं कि उसमें तुमें 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 तुम्हें फिर प्रॉफिट नहीं लेना या अपना वो नहीं लेना अल्लाह ने वो मना नहीं किया है लेकिन चीटिंग करना मना किया है यू शैल वेट विथ इक्विटेबल स्केल यानी जो भी तुम दो उसको मेजरमेंट के साथ में परफेक्ट जजमेंट के साथ में दो उसमें कोई धोखा मत करो डू नॉट चीट द पीपल जो उनका हक है उससे उसको धोखा मत दो और दुनिया में करप्ट करके यानी कि बुरा करके घूमो नहीं यानी तुम अर्थ में बुराई करके अर्थ को बुरा यानी करप्ट और धोखा धोखा और ऐसा गंदा काम और अपराधी बन के नहीं घूमो और उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें बनाया है और तुम्हारी पहली जनरेशन को भी है तुम्हारे बाप दादा को भी अल्लाह ने ही बनाया है और उसने तुम्ही को भी अल्लाह ने ही बनाया है तो उन लोगों ने क्या कहा कि तुम तो पागल हो चुके हो मिनल मुसहरीन कालू इन्नमा अंतो मिनल मुसरन कालू यानी उन्होंने कहा उनको शोएब को रिप्लाई दिया कि तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो और हम तो ये समझते कि तुम झूठे हो और उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम सही हो तो आकाश को या उनके बादल को हमारे ऊपर गिरा दो अगर तुम सही हो तो यानी कि ऐसी चुनौती देने लगे उनको ऐसा चैलेंज करने लगे कि तुम आकाश को हमारे ऊपर गिरा दो अगर तुम सही हो तो हालांकि वो उनको सही मानते ही नहीं थे तो वो लोग उनके ऊपर यकीन नहीं करते थे कि तुम तो हमारे जैसे इंसान ही हो और तुम झूठे हो हालांकि उनको अच्छा करने के लिए कह रहे थे तो उनको वो अच्छा नहीं करना था उनको अपनी बुराई से जो फ़ायदा मिल रहा था वो कंटिन्यू करना था तो ये सब एक्सक्यूज़ देना उन्होंने चालू किया ही सेड माय लॉर्ड इज़ द वन वू नोस एवरीथिंग यू डू तो सोएब ने क्या जवाब दिया काला रब्बे आलमो आलमो यानी इलमे बे माता जो भी तुम अमल करते हो तामलून यानी जो भी तुम करते हो अमल उसको अल्लाह को इलम है देखो अरबी अल्फाज है वो मोस्टली हिंदी और उर्दू में से ही आए हुए हैं जो तो हिंदी में उर्दू में जो भी अल्फाज है उसका फिफ्टी सिक्सटी परसेंट अरबी में से लिया हुआ है और फिफ्टी सिक्सटी परसेंट हिंदी यानी संस्कृत में से है और संस्कृत भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो जियोमेट्री और टिगोनोमेट्री जो वर्ड है ना वो संस्कृत में से आया हुआ है हाँ वो संस्कृत में इसको जीमेट्री जमेट्री ऐसा कुछ है वर्ड है और ट्राइंगल को ट्रिगर करके ऐसा कुछ वर्ड है वो संस्कृत में मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम पर ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री जो वर्ड है वो संस्कृत में से आया इसी तरह से जो अरबी में ये जो इलम और अमल है वो अमल यानी के करना हिंदी में बोलते हैं पर अरबी में उसको बोलते अमल कर्म बोलते हिंदी में इसमें अम, बोलते अमल करना अमल यानी कर्म करना तुम अपने अमल करते जाओ या हिंदी में बोलते तुम अपने कर्म करते जाओ अपने काम करते जाओ इसका मतलब तो यानी अरबी इतना जिसको हिंदी और उर्दू आता है ना उसके लिए समझना इतना हार्ड नहीं है बहुत ईजी है दे दिस बिलीव डिम उन्होंने उसका बिलीव नहीं किया और उसके बाद में उसको बहुत ही यातना वाला अजाब दिया गया और वो आखिरत के अजाब तो उनके लिए था ही बड़ा सबसे बड़ा दुनिया में भी अजब मिला और आखिरत में भी मिलेगा देखो ये जो वर्ड है लास्ट में लिखा इन्ना अजाब यौमिन अजीम यौम यानी दिन अजीम यानी बड़ा अजमत बहुत ही बड़ा अजाब, अजीम अजाब उन यौमिन अजीम अजीम यानी यौमिन अजीम अजीम यानी बहुत ही बड़ा दिन का उनको अजाब इनके लिए है अभी तो बाकी है दिस शुड बी अ लेसन बट मोस्ट पीपल आर नॉट यानी कि ये उनके लिए और तुम्हारे लिए एक सीख है एक लेसन है लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल यानी बहुत सारे लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करते अक्सर हम बोलते हैं ना अक्सर लोग हम, देखो क्या लिखा है इसमें वा काना अक्सर हूँ मोह में नीन यानी नहीं होते अक्सर हम अक्सर यानी नॉर्मली अक्सर बोलते ना अक्सर तुम ऐसा ही करती हो तो ये अरबी का अल्फाज है वमा काना वमा काना यानी नहीं, नहीं अक्सर हूँ मोमिन अरबी जितना तुम पढ़ के उसको ट्रांसलेट समझोगे उतनी तुम्हें उसकी महसूसियत ज्यादा होगी जो खुदा तुमसे कहना चाहता है वो तुम्हें ज्यादा फीलिंग होगा देखो इनमें कितना ब्यूटीफुल का इन्ना फी जाले का जाले का यानी डेट लायातुन लायात यानी ला या ला या एक लेसन है आयात तुम्हारा आयातुन एक टाइप की निशानी है साइन है जिसको हम बोलते हैं ना कि आयत यानी एक साइन बोलते हैं ये अल्फाज अरबी में उर्दू में नहीं होता मतलब बट लायातिन अरबी अल्फाज जिसका मतलब लेसन इन्ना फी जाले का लायातिन वा अक्सर हुं हुं। इसके बावजूद भी लोग इन नहीं लाते लेकिन इसमें क्या क्या व इन्ना रब का लाहोअल अजीज उरिम बल्कि तुम्हारा रब रब का रब यानी खुदा और का मतलब किसके लिए होता है यूवर्स अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा खुदा देखो कितना बेहतरीन अल्फाज है वो इन्ना यानी के मोस्ट एस्योर्डली कि ये पक्का होने वाला है वो वा इन्ना रब्बो का तुम्हारा जो खुदा है लोहोवा अजीज उल रही अजीज यानी ओल माइटी और रहीम यानी मोस्ट मर्सीफुल यानीफुलटी यानी सब चीजों को काबू रखने वाला बहुत ही पावरफुल और रहीम यानी बहुत ही रहमन वा रहमत वाला है वो वा इन्ना लतजील रबील आलमीन लतनजील यानी के क्या इसका मतलब है कि ये जो रिविलेशन हुआ है वो खुदा की तरफ से जो पूरे जहाँ का मालिक है यानी कि पूरे यूनिवर्स का मालिक है यानी कि ये कुरान तंजील यानी नाजिलोना, रब्बुल आलमीन, आलम यानी कि पूरा यूनिवर्स का आलमीन है और इसके अल्फाज देखो कि कहाँ से किस बेहतरीन तरीके से ये व इन जब लेते डिजीज़ ये डिजीज़ इसको बोलते तो उसके साथ में लतजील यानी कि ना आता है ता और ना जॉइंट होता है वो इन लतन झील रब्बुल आलमीन यानी ला ता नून का कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसमें रब्बुल आलमीन नजला बेही नजला यानी केम डाउन जैसे इसमें हमने पहले देखा ना कि लतन झील लतिन यानी पूरा वर्ड है जिसका मतलब है रिवीलेशन करना यानी कोई चीज को उतारना रिविलेशन करना तो ये जो शॉर्ट वर्ड है नजला बेही रूहू आमीन रूह यानी जिब्राइल स्पिरिट जिसको बोलते हैं रूहुल अमीन अमीन यानी वो बहुत ही पा पाक और ऑनेस्ट है वो बहुत इजी है वो अरबिक जो है वो इज अ वेरी इजी लैंग्वेज फॉर द हिंदी और उर्दू पीपल्स हाँ अगर ये तमिल लोगों को समझाए तो अगर उसको हिंदी नहीं आता तो उनको समझ में नहीं आएगा अरबी उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि तो वो फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने दो सूरत मैंने कंप्लीट की ना तो अभी मुझे अरबी ऐसे पढ़ के ही मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ दो सूरत वो भी छोटी सी ग्यारह और दस अभी तो पूरा कुरान में करूँगा तो मुझे अरबी ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा मुझे क्यों फास्ट समझ में आ रहा है क्योंकि हिंदी और उर्दू हम लोग के जबान में होता है तो ये ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ होती है इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है सिर्फ ग्रामर हमको थोड़ा समझना पड़ता है बाकी मोस्टली सब सेम ही होता है लेकिन ये अगर इनको तो समझ में नहीं आता थमीम सादिक को क्योंकि उनको हिंदी और आता नहीं है तो उनको ये अरबी अल्फाज को महसूस करना बहुत ही मुश्किल है जिसको हिंदी और उर्दू नहीं आता उनके लिए एटलीस्ट जिसको हिंदी भी आता है ना वो भी समझ सकता है कुरान को नज़ला बहिर रूह हो अमीन हम बोलते बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं इसमें डाउन विथ इट यानी जो अल्लाह बता रहा है कि कुरान को ऐसे वैसे ने नाजिल नहीं किया है जिब्राइल ने प्रॉफिट के ऊपर वो रिविलेशन दिया हुआ है और जो प्रो वो ज़िब्रैल है उसकी भी अल्लाह ने ख़ासियत बताई कि वो बहुत ऑनेस्ट है वो अल्लाह का फर्मा बरदार है वो एक चीज़ भी अल्लाह की यहाँ सेवा नहीं कर सकता वो इतना उसको अल्लाह का खौफ़ है उसका अल्लाह का इतना यकीन है उसको अल्लाह का इतना डर है और इतना भरोसा है वह सब चीज़ें उसकी मर्ज़ी से वो करता है अल्लाह को ये सब बिलीव करता है वो और शैतान जो था वो ज़िब्रैल से भी ऊपर हो गया था तुम सोचो कि वो फिर भी उसने घमंड किया तो वो उसका दर्ज़ा उससे भी नीचे हो गया सबसे नीचे लोवेस्ट लेवल तक हालांकि तुम कॉकरोच जो कहते हो ना कॉकरोच और कितना गंदा होता है या चूहा और गंदे गंदे कोई उससे भी नीचे लोवेस्ट लेवल तक वो पहुंच गया है हालांकि वो तो एनिमल है और इंसेक्ट है वो तो हमसे भी ज्यादा दरजे में है क्योंकि उन्होंने अपना ऑलरेडी ईगो किल करके वो चीज बनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो उसका दरजा हमसे भी शायद ऊपर है अगर हम हम अगर अल्लाह की मदद करने में नाकामयाब हो जाते तो वो हमारे से भी लक्की है इन अ परफेक्ट अरबिक टंग क्या बोलते अल्लाह ये जो बिल्सिन अरबी या मुबीन मुबीन यानी एक परफेक्ट टंग के साथ में एक जबान के साथ में कि ये बोलने में भी बहुत आसान है समझने में भी बहुत आसान है लेकिन ये जो ग्रामर और इसका अल्फाज है एक दूसरे के साथ में वो कोई नहीं बना सकता देखो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होती है बा से बी बिलिसानिन अरबीय मुबीन मोबीन देखो और मोबीना ये वर्ड भी उसके जो शुरुआत में आता है ना उसी का एंड उल्ला ने उससे किया यानी कितनी बेहतरीन तरीके से अल्फाज और स्टार्टिंग को एक दूसरे के साथ में बिलिसान यानी परफेक्ट अरबी मोबीन मोबिन मोबी में ब आता है स्टार्टिंग किससे हुआ बी से बिल्सानिन मोबीनिन समझ रहे हो ये काइंड ऑफ द अरबिक वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके यूज करना ना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है इट्स अ मिरेकल बेलिसान अरबी एम मोबिन और अरबी में भी क्या आता है बा आता है क्या आता है बा और स्टार्टिंग कहां से होता है बा से बा से और नून से एंड होता है ना वो फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड है वो तो लास्ट का वर्ड है वो भी नून से एंड होता है और बा से चालू होता है यानी तुम्हारे अल्फाज जो तुम बोलने के टाइम में जो है ना तुमको अगर मान लो कि मोबिन की जगह पे दूसरा भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना पर वो जवान के लिए इतना ब्यूटीफुल बोलने के लिए नहीं हो सकता ये तो इतना सा छोटा सा भी लेटर है एक छोटी सी वर्ड से लेकिन कितनी बेहतरीन तरीके से उसको कंबाइन किया है बिलिसिनानिन अरबियम मुबीन की एक परफेक्ट अरबी तांगे तू बिलकुल लाइल्लाह अस्तुलिल्लाह असदुल्लाह ज़ुबुरिल अवलिन और ये जो किताब है वो पहले की जनरेशन में भी इसकी जो भविष्यवाणी है वो की गई थी पहले की स्क्रिप्चर में जैसे कि बाइबल में तोरात में इंजिल मेंफूर अवलीन यानी अव्वल बोलते हैं ना प्रीवियस समझ में आया प्रीवियस जनरेशन को क्या बोलते अल अवलीन जुबुर जुबुर यानी काइंड ऑफ द बुक्स जिसको जुबुर एक

अवलम यकुल आया तुन अमो अलमाओ बनी इसराइल बनी यानी चिल्ड्रन इसराइल के उसको अल्लाह ने हमेशा इसराइल को चिल्ड्रन चिल्ड्रन ऑफ इसराइली कहा है कुरान में बनी इसराइल क्योंकि वो इसराइल जो नबी थे उसके में से था तो अल्लाह ने उसको बनी इसराइली कहा है और आलमू या हो यानी आलम अलामू यानी क्या बोलते आलिम जो स्कोलर होते हैं ना उसको वो लोग उसका इलम था उनका कितना इजी है देखो अन या लमु हो ओल माओ देखो ये भी अल्फाज देखो या लमु यानी इलम ओल माओ यानी स्कॉलर और लीडर जो है ना उसके बहुत सारे अल्फाज अलग है लेकिन अल्लाह ने या लमु के साथ में ओल माओ ही लगाया है ओल माओ बनी इसराइल कितना इजी है अन या लमू हो ओल माओ बनी इसराइल देखो समझ में आ गया ओलमाओ यानी स्कोलर अन या लमो यानी कि उनको पहले मालूम था आयातुन यानी कि अल्लाह की निशानी जो अल्लाह ने बयान की थी वो पुरती थी लहु आयातुन फिर भी वो लोग नहीं बताते तो कुरान मस्ट बी ट्रांसलेटेड यानी कि ये क्या बोत अल्लाह नाइनटी एट में इफ वी रिवील दिस टू पीपल वो डो नॉट नो अरबिक यानी कि अगर हम उसको नाजिल करते हैं वलव नजल ना हो अल्लाह बादल आ जमीन आ जमीन यानी अल्लाह अल्लाह अल्ला यानी ला यानी नॉट अजमीन यानी जो लोग नहीं जानते अरबिक अल्लाह अजमीन अजमीन यानी कोई चीज को जानना लेकिन जो अरबी नहीं जानते उसको क्या बोलते अल्लाह अल्लाह बाद है यानी उसके बाद में अगर हमने इसको किसी नॉन अरबिक के ऊपर नाजिल किया होता तो एंड हेड इम रिसाइट इट दे कुड नॉट पॉसिबली बिलीव इन इट मा कानू यानी वो लोग बिलीव नहीं करते थे अगर हम उसके ऊपर वो रिसाइट करते थे उसके ऊपर नाजिल करते थे वी दज रेंडर इट लाइक अ फॉरिन लैंग्वेज इन द हार्ट ऑफ द गिलती कोलूब यानी हार्ट मुजरे मीन यानी अपराधी गुनेगार दस दे के नॉट बिलीव इन इट नॉट अनटिल दे सी द पेनफुल रेट्रीब्यूशन यानी कि अल्लाह क्या बता रहे हैं कि जो कुरान है उसको समझ के पढ़ना चाहिए अरबी में पढ़ के कोई फायदा नहीं अगर तुमको उसका मीनिंग मालूम नहीं है अगर तुम देखो दादा और दादी को पूछो तो उसको वो पढ़ेंगे हजारों बार लेकिन उसका मीनिंग बहुत इजी है अगर तुम उसको समझ के थोड़ा सा भी अक्ल लगाओ तो तुमको ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं है तुम अरबी के साथ में उसको समझ सकते हो लेकिन उनको थोड़ी सी भी तकल्लुफ नहीं करनी है उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करनी और तुम थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करोगे तो अल्लाह तुमको रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, नहीं खोलेगा अल्लाह का एक सिंपल रूल है कि तुम जब तक कोशिश नहीं करोगे अल्लाह तुमको एक रास्ता भी नहीं खोलेगा अगर तुमने थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की हाँ अगर तुमने एक पॉइंट की कोशिश की ना तो अल्लाह दस रास्ता खोलेगा क्या खोलेगा अगर तुमने नहीं कोशिश की ना तो तुमको जरा सा भी भी उसमें अंदर कोई भी इलम नहीं मिलेगा ये अल्लाह का कानून है हाँ तुमको थोड़ा सा कोशिश अपने दिल में ये होना चाहिए कि मुझे जानना है अल्लाह मुझे कोशिश कर तो अल्लाह हजार रास्ता तुम्हारे खोलेगा आज तो हजारों ट्रांसलेशन अवेलेबल है कितने अरबी वर्ड टू वर्ड तुम देख सकते हो आज तो इंटरनेट है अगर उनके पास मोबाइल है सारी सीरियलों देखने का मौका है लेकिन एक ऐसा नहीं कहा कि मुझे कुरने ऐसा लगा के दो जिससे मैं इसके वर्ड को देख सकूं अभी मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ उसमें मैंने पच्चीस स्टेप खोले उसमें से सात हिंदी कुरान है सात इंग्लिश कुरान है और तीन अलग चार जो है वो हिंदी ट्रांसलेटर टूल से अरबिक ट्रांसलेटर टूल से ऐसी बीस टेबलेट है तो सब नॉलेज अवेलेबल है अभी मैं तो इतना माहिर भी नहीं हूं तो भी मैं अगर आराम से इसको समझ सकता हूँ तो कोई भी ये इंसान अगर थोड़ा सा सर्च करे इंटरनेट पे तो सारी चीजें उसको मिल सकती है हक की बात उसको उनको जानने की कोशिश करनी है ये देखो आयत में अगर तुम पढ़ के भी समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे अल्लाह ला यू मेनुना ला यानी नो ला मतलब क्या होता है नो यू मेनूना वो लोग ईमान वाले ला यू नहीं थे बेही हत्ता यजाबुल अलीम हत्ता यरूल उल अलीम कब तक के जब तक वो दुखदाई अजाब को देख न ले। अलीम यानी रेट्रीब्यूशन पेनफुल अजाब यानी कि अल्लाह ने तो उसको बरोबर नाजिल किया है लेकिन लोग फिल भी उसको नहीं समझते इट विल कम टू देम सडनली यानी कि वो अजाब जो है वो अचानक जब तुमने उसका गुमान भी नहीं किया होता तब वो आ जाएगा जब तुमने उनको कम से कम एक्सपेक्ट किया होता अभी हम आराम से बैठ रहे अभी तुमने एक्सपेक्ट किया है कि धरती कम आ जाए या अभी तुमने एक्सपेक्ट किया है कि कोई ऊपर से आके हमारे ऊपर गिर जाए और हम पूरे डब जाए उसके अंदर या कोई तूफान आए और पूरा घर को उड़ा के लेके जाए और उसी सीधे यहाँ पे इसके ऊपर ही बैठे हो ये सोफे के ऊपर और पूरा सब कुछ उड़ जाए हवा में क्या होता है पूरा उड़ जाता है और गिर जाता है हमने अभी एक्सपेक्ट किया है तो जो अल्लाह का जब है ना वो इसी तरह से आएगा कि जब तुमने उसका थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया होगा ला यस अरूण यानी तुम्हें उसका थोड़ा सा सूर भी नहीं होगा देखो ये जो है ना अरबी वो भी हम अरबी उर्दू में बोलते हैं तुमको उसका एहसास नहीं होगा ला यस और ला यानी नोट इट यश और यानी सूर नहीं होता हम बोलते ना कि इसका महसूसियत नहीं होती और तब वो लोग क्या कहेंगे कि हमको थोड़ा वक्त मिलेगा या हमको वापस कोई एक मौका मिलेगा मंजूरुन वला नहनो मंजूरुन फयकूलहू हला नहनो मंजूरुन तब अल्लाह उनको जवाब बोलेगा तुम तो चुनौती देते थे चैलेंज करते थे कि कभी आएगा नहीं हमारे ऊपर से अभी गिरा दो ऐसा भी बोलते थे आर यू सी तुमने देखा कि हमने कितने सालों तक उनको रहने दिया और उसको इसकी इंजॉयमेंट करने दिया उसको उसको आराम से और आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ उनको कितने सालों तक ऐसे ही रहने दिया सिनीन यानी सालों तक अरबी का जो वर्ड है ना जैसे मत होता है होम यानी मत आ यानी मत आनोम यानी उसको आनंद में इंजॉयमेंट के साथ में कितने सालों तक अल्लाह ने रखा होम यानी किसको बोलते है? जो होम आता है ना होम वो यानी तुमको तुमको जो बोलना होता है ना तो लास्ट में मत आ यानी एक अल्फाज है उसके साथ में उन्होंने क्या अल्लाह ने जोड़ा हुम यानी उन लोगों को उसके बाद में जो रिट्रीब्यूशन हुआ जैसे अल्लाह ने उसका वादा किया था वादा किया था तो देखो इसमें क्या लिखा है या वदून वादून समझ में आया वादा या वदू देखो वा अदून या वदून मा कानू या वदून जस्ट ए अल्लाहस प्रॉमिस सुमा जाहुम जाहूम यानी केम डाउन रेट्रीब्यूशन जैसा अल्लाह का वादा था समझ में आया वादून देखो वादा लिखा है ना अल्लाह ने लास्ट में समझ में आया वादू अल्लाह का वादा था यानी देखो ये कितनी ये तुम इसमें पढ़ो माँ काना या वाधून यानी कि अल्लाह का प्रोमिस है ये तुम इंग्लिश अरबी में पढ़ो ये और इंग्लिस में पढ़ो और इसकी ज्यादा तुम इसको अरबी में पढ़ो तो तुमको उसका जो फीलिंग होगा वो एक्सट्रीमली ज्यादा होगा माँ कानू या वधून यानी कि अल्लाह का वादा है ये ये तुम तो बोलते हो ना ऐसे अरबी में और हिंदी में मेरा वादा कभी गलत नहीं होता तो ये तो अल्लाह बता रहे कि इट इज़ अ माँ कानू या वादू अल्लाह का वादा कभी ये नहीं होता अल्लाह ने जो प्रोमिस किया वो होना ही है तो ये भी दुनिया में भी जो भी बुरे बुरे काम कर रहे हैं वो अभी तक थोड़े वक्त के लिए उसको इन्जॉयमेंट मिल रहा है फिर अल्लाह का वादा आएगा उसको नेस्त नाबूद कर देगा अल्लाह कोई बचा नहीं पाएगा उसको ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको हट हटा सके लेकिन वो मुक्र वक्त में आता है उसके ना आगे ना उसके पीछे अगर उसका वक्त अभी के मान लो कि एक मिनट के बाद है तो एक मिनट के बाद ही आएगा उसके पहले भी नहीं आएगा एक सेकंड और उसके एक सेकंड बाद में भी नहीं होगा और डेर वास्ट रिसोर्सेज यानी कि उसकी बहुत सारी उसकी जो उन लोगों ने इकट्ठा किया था या महल में रहे थे या अपना प्रोटेक्शन किया था वो कुछ भी उनको फायदा नहीं पहुंचाया जरा सा भी एट लीस्ट यो मत ऊन माँ मा अग्ना अनहू मा कानू यो मत ऊन अहलकना यानी हलाक हो गए क्या बोलते अल्लाह वमा अहलकना मिन करियतिन अल्लाह कि क्या बोलते कि वो अल्लाह किसी को ऐसे ही हलाक नहीं करता जब तक के उसके पहले कोई वार्नर यानी कि कोई उसको चेतावनी देने वाला उसकी कम्युनिटी में नहीं पहुंच जाता समझ में आया हलाक बोलते ना हलाक हो गए हम ये तो मालूम है ना तुम्हें हलाक हो जाना मालूम है कि नहीं है शब्द उर्दी अरबी में बोलते हैं उर्दू में हलाक हो गए हम लोग यार हलाक हो गए हलाक यानी हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ गई तो अल्लाह बोलते हैं वमा वमा यानी ऐसे नहीं अल्लाह भेजेगा पहले अल्लाह किसी को ऐसे हलाक नहीं करता यानी कि अल्लाह बोलते हैं ना कि मेरा प्रोमिस सच्चा है मैं उसको नाबूद नेस्त नाबूद कर दूंगा लेकिन अल्लाह पहले उसके पहले कोई मैसेंजर को भेजता है या कोई उसको निशानी बोझता है या उसके पास में कोई ऐसा मैसेज आता है जैसे दादा दादी उसको मेरे तरफ से मैसेज दिया जो मेरे ग्रांड फादर और दादा पढ़ दादा दादी थे मेरे उसको भी मैंने बताया था कि भाई तुम कुरान को ये रट के पढ़ रहे रट के रट के जो तुम इसको पूरा दिन पढ़ रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है तुम उसको समझ के पढ़ो तो उसको भी मैंने कुरान दिया था पढ़ने के लिए समझने के लिए तो अल्लाह ऐसे ही दूसरे हर एक फैमिली में एक या कोई इंटरनेट के ज़रिए या कोई और दूसरे के जरिए उसको वार्निंग और चेतावनी दे ही देता है कि ये हक है और ये बात ही नहीं और आज तो इस्लाम इस तरह से हर जगह पे फैला हुआ है कि लोग टेररिस्ट करके बोलते हैं तो भी उसके अंदर कुरान के मैसेज तो आते ही हर जगह पे लिखे हुए और हर एक इंसान को इतना तो मालूम है कि कुरान है और क्या है तो एक बार भी अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे पास आया था तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं की उसमें क्या लिखा था और जब तुम्हारे सामने उसको तुमने पढ़ा तो उसको तुम्हें यकीन नहीं हुआ कि ये चीज़ है वो कोई इंसान नहीं कर सकता इतनी बेहतरीन तरीके से तुमने कोशिश ही नहीं की समझने की या तुमको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि तुम ये सब देखो कि चलो कुरान नहीं है पर अपनी आंखों तो तुम्हारी आंखों तो खुली थी ना तो तुम देख नहीं सकते थे ये सब ऐसे ही बन गया है तुम्हारे अंदर तुमने कैसे देखा कि तुम्हारा जो हार्ट है तुम्हारा जो माइंड है तुम्हारा जो दिल है वो ऐसे ही चल रहा है वो भी तुमने नहीं गौर किया कि ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता था अल्लाह सब सवाल करेगा अल्लाह किसी को भी वहां आखिरत में भी ऐसे ही झंडम में नहीं डाल देगा उसका हिसाब होगा अभी तुम देखो एक एक केस चलता है यहाँ पे कोर्ट में तो कभी कभी सालों साल लग जाते वो बापू का केस चला था तो कितने साल चला 2013 में वो केस चालू हुआ था 2018 में उसका जजमेंट आया पांच साल के बाद और पांच साल तक उसको बेल नहीं मिली थी और बाद में उसको कैद की सजा हुई क्योंकि उसने उसका जो साम्राज्य था वो दस हजार करोड़ का साम्राज्य था उसने 400 आश्रम खोले थे पूरे इंडिया में अहमदाबाद में भी उसका बड़ा आश्रम है और उसके बेटे ने तो कितने गवाहों को भी मार दिया लेकिन उसका एक वकील था उसके ऊपर पूरी मूवी भी आई है जी न्यूज़ में वो मैंने देखी है तो उसको सजा मिली वो एक ही लड़की ने ऊपर उसने कोई वो किया था वो बालिक थी तो वो 16 साल के 18 साल के पहले थी तो उसके ऊपर पोस्को कानून लगा पोस्को में क्या होता है बेल नहीं मिलती तो 75 इयर्स की एज में वो अंदर गया था 76 इयर्स में 81 वन ईयर्स तक उसको अंदर ही रख बेल के लिए उसने कितनी कोशिश की लेकिन उसको बेल नहीं मिली बेल दी ही नहीं उसको क्योंकि तो पोस्को कानून में बेल नहीं मिलती तो उस लोगों ने बोला कि वो गल, लड़की को गलत जाहिर करवाया कि वो वो बाली गए वो एडल्ट है कितने गलत डॉक्यूमेंट दिए कितना कुछ किया ये तो दुनिया की अदालत है आखिरत में अल्लाह के सामने तो कोई भी झूठ नहीं चलेगा वहां तो सब रिकॉर्ड होगा हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने आ जाएगा अल्लाह पहले का रिकॉर्डिंग तुमको दिखाएगा तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे जबान की तो बात छोड़ो तुम्हारे हाथ भी बोलेंगे ये मेरे तुम बोलेगे ये तो मेरे हाथ थे तुम मेरे खिलाफ़ बोलने लगे हाथ पैर सब उसके खिलाफ बोलने लगेंगे अल्लाह उसको भी जबान दे देगा क्योंकि वहां पे नॉर्मल हम जैसे बोलते हैं ना ऐसा नहीं होगा वहां का जो लैंग्वेज होगा ना वो पूरा अलग होगा वहां पे ऐसा नहीं होगा मैं हिंदी बोलूंगा या अरबी बोलूंगा वहां का जो कम्युनिकेशन वे होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा समझ में आया तो ये तो दुनिया का मैं बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे तो यहाँ पे दुनिया में तो कितने लोग पैसा देकर भी गलत करके भी बच जाते हैं लेकिन कोई कोई लोग इतना बुरा करके भी इतना पैसे होने के बाद भी अल्लाह निशानी बताता है कि देखो वो अल्लाह ने जब उसको डालना चाहा तो उसको अभी वो जेल में ही है और जेल में ही सड़ रहा है और उसको कितनी बीमारी हो गई है तो बीमारी के लिए वापिस हॉस्पिटल में जाता है वापस वहां पर उसको जेल में छोड़ देते हैं उतनी कोशिश की उसने चार छह सात तो गवाहों को भी मरवा दिया वो फैमिली के ऊपर वो जो वकील था वो भी उसको बीस करोड़ दिए तो वकील ने भी पैसा नहीं लिया उसका बोला मैं इस लड़की का केस क्यों लूंगा आखिर में वो वकील ने उसका केस लड़ा और उसको जिताया पांच साल तक बीस करोड़ लेके गए थे वकील को उसी दिन उसका वकील जब चेंज हुआ ना पहले वकील को उसको उसके बा, बाप को लगा कि ये गलत केस कर रहा है तो उसने वकील चेंज कर दिया क्योंकि वो वकील क्या कर रहा था शुरू में उसको सब केस स्ट्रॉन्ग बनाया फिर आश्रम के लोगों ने फोन किया पैसे के लिए तो बोला अभी तो मैं और बनाऊंगा केस फिर अच्छा पैसा मिलेगा मुझे तो उसके फादर ने सुन लिया वो लड़की के तो उसने सीधा केस दूसरे को दे दिया फिर वो वकील बहुत अच्छा था उसको मालूम था उससे पहले उसके, उसके फादर को बोला कि तुम लोग लड़ सकते हो आखिर तक बहुत सारी तकलीफ आएगी जान की भी माल की भी तो वो लड़की ने बोला हाँ मैं लड़ूंगी लास्ट तक बाद में उसकी कितनी और लड़कियों ने भी कभी उसके खिलाफ नहीं बोली थी वो भी सिर्फ आने लगी इसकी वजह से हिम्मत करके तो क्योंकि हिम्मत ही नहीं करता था तो ये उसके आश्रम में सब गंदे काम करता था और ये उसके आश्रम में हजारों गरीबों को खाना भी खिलाता था, था वो कितने चार सौ आश्रम में यहाँ तक तो इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी है उसके फॉलोवर करोड़ पांच छे करोड़ तो उसको सिर्फ फॉलोवर थे उसके और दस हजार करोड़ का तो उसका पूरा नेट ऑफ वर्थ था हालांकि उसके बाद में उसके लड़के को भी अंदर जेल में डाल दिया फिर क्योंकि वहां उसके लड़के के ऊपर भी तीन चार लोगों ने यह कर दिया केस कर दिया इसके बाद में तो उसके लड़के को भी डाल दिया अंदर वो भी उम्र कैद की सजा में अंदर है उसकी एक लड़की है फिर वो बाहर से यहाँ पे आई और वो पूरा आश्रम उस भी उसके नाम हो गया वो भी पूरा संभाल रही है सब कुछ उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था और भी जेल के अंदर है इतना बुरा इंसान लेकिन वो अपने गुना को छुपाने के लिए थोड़ी सी नेकी कर लेता है लेकिन बाकी तो वो अपना धन और दौलत कमा के ऐसे कर रहा था ऐसे ही दूसरे कॉम में ही है जो बोरे के लोग में क्या करते हैं बोरे की कम्युनिटी में सेम ही करते आसाराम की तरह ही वो लोग भी जो दादा दादी जिसको जाते हैं लाखों करोड़ों रुपये लेते हैं अभी एक करोड़ रुपया ले लिया और दस लाख रुपया खर्चा कर दिया तो नब्बे लाख तो अपने पास ही पड़े तो लोग क्या, क्या बोलते हो दस लाख खर्चा कर दिया इतना दे दिया इतना दे दिया लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि नब्बे लाख तो ले लिया है तुम्हारा हाँ अगर एक करोड़ में से नब्बे लाख खर्चा करे दस लाख अपने पास रखे तो ठीक है ये नब्बे लाख अपने पास रखते और दस लाख उसमें से वापिस देते भिक की तरह वो भी ऐसा करते कि ये मेरा पैसा है ऐसा हालांकि उनका पैसा होता ही नहीं है तो वो आज अभी जेल में है क्योंकि okay, वो केस एक लड़की की वजह से उसको ये पूरा केस हुआ और मैंने उसका पूरा वाइकी में भी पढ़ा उसका वो मूवी भी देखा मैंने जी न्यूज में पहली बार जी न्यूज में कोई अच्छा मूवी डाला है वरना कभी ऐसा मूवी नहीं बनाते मनोज वाजपेयी का वो एक्टर है उसने वो मूवी बनाया है उसकी हालत कैसी हो गई थी वो देखने जैसी अभी तो वो और बाद में उसको जब नर्स वहां पे हॉस्पिटल में लेके गया तो नर्स के साथ भी बुरा व्यवहार करता है एटी फाइव ईयर्स का है फिर भी तो बाद में न्यूज में आया कि इतना बूढ़ा हो गया इतना सजा मिली फिर भी सुधरा नहीं है वो यानी कि वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुम अगर कोई अच्छा काम भी करो उसने कितनी हॉस्पिटल बनाई है स्कूल्स बनाई है कितने लोग वहां पे सार भी लेते हैं कितने लोग पढ़ाई भी करते हैं लेकिन साथ में गंदा 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 काम भी करता है ना तो यानी कि तुम कोई हॉस्पिटल बना लो और कोई ये कर लो तो इसका मतलब तुमको क्या लाइसेंस मिल जाता है किसी के के साथ में में भी गलत काम करने का वो 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 वकील ने वो सब कहा क्योंकि उसको छोड़ने के लिए सारी दलीलें दी गई थी कोर्ट देखने जैसी तो कोर्ट में सारी दलीलें पेश नहीं गई तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि तुम ये सब खोल लो तो तुमको लाइसेंस मिल गया क्या गलत काम करने का तब तो सब चुप हो गए उसको वापिस बेल ठूक करा दी गई फिर उसको बोला कि उसको अमेरिका भेजना है इसके इलाज के लिए तो वकील ने पूरा निकाला गूगल में से उसी टाइम निकाल के के बोला ये इलाज उसको पहले तो कोई हिस्ट्री में नहीं है अगर उसको अभी ये प्रॉब्लम है जो माइंड की बीमारी तुम कह रहे हो तो पहले उसकी वहां पे डायग्नोसिस करो अगर वो बीमारी हुई तो भेजना तुम अमेरिका उसको क्योंकि अमेरिका भाग गया तो वापस बेल मिल जाएगी तो उनका इलाज वहां पे ही करवाया वो, वो तो मालूम पड़ा कि इसको वो बीमारी नहीं थी वो जो कह रहे थे वो तो वापिस उसकी बेल ये होगी उसको पांच साल में बेल ही नहीं मिली फिर उसका जो जो फाइनल जजमेंट डे 2018 में हुआ उस टाइम में उसको उम्र कैद की सजा हो गई वो उसने लड़की से बुरा व्यवहार भी नहीं किया था उसका वो बलात्कार नहीं किया था सिर्फ उसको अननेसेसरीली टच किया था बहुत बलजबरी से और वो जो उसका फादर था वो उसका बहुत ही भक्त था उसने तो लोन लेके उसके फादर ने अपने गाँव में उसका मंदिर भी बनाया था और वो अपनी लड़की को बोला कि इसको कुछ भूत प्रेत हो गया है तो उसके पास लेके गया भी वो भी पागल ही थे तो वो वकील ने क्या कहा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ वो आसाराम नहीं है तुम भी हो बोला मैं एक तुमको एग्जाम्पल एक देता हूं सिग्नल है एक सिगनल है है ठीक एक सिग्नल सिग्नल ब्रेक कर रेड लाइट अभी थी रेड लाइट नहीं थी ग्रीन लाइट थी और ग्रीन लाइट के बाद में वहां पे येलो लाइट आई लेकिन फिर भी एक बाइक वाला जा रहा था पर येलो लाइट थी तो उसको स्पीड कम करनी नहीं चाहिए थी उसने स्पीड कम नहीं की और उसी टाइम में एक अपना बाप अपने बेटे को लेके रोड क्रॉस कर रहा था उसका बेटा था चार साल का सेम्यूअल जीता उसको तो मालूम नहीं होगा तो उसको लेके क्रॉस कर रहा था और बाइक वाला उसको एक्सीडेंट हो गया वो लड़के के साथ में और उसका पैर है वो पूरा पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया तो फिर वो तुरंत वहां पे लेके उसको हॉस्पिटल में लेके गए हॉस्पिटल वाले में कुछ भी इलाज करके उसको छोड़ दिया एक वीक के बाद में मालूम पड़ा कि उसके पैर पूरा नीला हो चुका है तो उसको दूसरे डॉक्टर के पास ले गए उसने बोला कि इसमें तो फ्रैक्चर हो गया उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो फिर उसने फादर ने केस किया वो बाइक वाले के ऊपर वो पैसे लेने के लिए और वकील के पास केस गया तो वकील ने कितने लोगों को जेल में डाला मालूम है एक तो वो बाइक वाले को डाला वो पहले डॉक्टर को भी डाला और उस बाप को भी डाला उसको बोला तो वो केस लेने से पहले उसने जो लड़की का केस लिया ना वकील ने तो उसके पहले उसको बोला कि मैं ऐसा वकील हूँ कि जो भी बीच में गलत आएगा ना वो सब जाएंगे अंदर क्यों बाप की गलती थी क्योंकि अभी वहां पे वो एरो नहीं हो गया था तो वो छोटे से बच्चे को लेके क्यों जा रहा था उसको वेट करना चाहिए था ना और बाइक वाले की उसको स्पीड कम करनी चाहिए थी और पहला डॉक्टर उसने प्रॉपर डायग्नोसिस किया नहीं किया तभी उसको ये ये ग्रीन हो गया पहले डॉक्टर ने अगर प्रॉपर डायग्नोसिस किया होता तो दूसरे डॉक्टर को पहले ही उसका ऑपरेशन हो गया होता उतना इस, उसका इतना पैर इतना ज्यादा गलत नहीं होता था जब तो शायद पाटे पिंटी से भी प्रॉपरली उसको ड्रेस करते थे तो भी हो गया तो उसका प्रॉपरली डायग्नोसिस नहीं किया तो गलती तीनों की थी ना तो यही चक्कर में जो आ, इसका आसाराम के भी चक्कर में उसने सबको पकड़ना चालू किया धीरे 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 यहां तक कि उसका बेटा भी आ गया उसकी चुम्बुल में और जो जो भी गलत गलत कर रहे थे किसी ने गलत एक तो जो प्रिंसिपल थी उसने गलत लिविंग सर्टिफिकेट निकाला था वो लड़की बड़ा उन्होंने कहा उसको भी अंदर करवा दिया उसने फादर को पहले ही बोला था तुमको है क्योंकि तो उसके फादर ने फिर एक्सेप्ट भी किया कि मैंने ही अपनी लड़की को उसके अंदर लेके गया कि मुझे लगा वो मेरा लड़की के ऊपर जो कुछ हुआ है यानी कि भूत प्रेत के ऐसा कुछ था ही नहीं वो उसको मानसिक बीमारी थी जो खेच आती है ना बॉडी में यानी कि प्रॉपर तुम्हारा कोई विटामिन की तो गया। वो नहीं होता। उसकी प्रॉपर दवा करनी चाहिए तो वो उसको वहां पे उसके पास लेके गए तो उसने तो उसका बड़ा बुरा हाल किया वो लड़की का तब जाके उस फादर को यकीन हुआ कि ये तो बहुत बुरा किया तो उसने आठ दिन के बाद में उसकी लड़की का वहां पे जाके केस करवाया एफ आई आर करवाई और वो भी पोस्को में थी इसलिए उसका मेडिकल एफआईआर से पहले किया तो ये लोगों ने क्या कहा बेल देने के लिए इसका तो मेडिकल पहले कर लिया था एफआईआर के बाद में ही मेडिकल होता है तो ये गलत है तो एफआईआर में उसको छोड़ दो ये लड़की को इस, ये आसाराम को बेल मिलनी चाहिए तो वकील ने पूरा कोर्ट में पोस्को का कानून लेके आके पढ़ा बोला कि जो अंडर एज गर्ल है एटीन ईयर्स के बिफोर उसका ऐसा नहीं है कोई रूल पूरे इंडिया में नहीं है कि एफ से पहले मेडिकल नहीं करवा सकते उसका से पहले मेडिकल करवा सकते 18 इयर्स के बाद में अगर किसी के साथ होता है गलत तो पहले एफ होती है फिर मेडिकल होता है पर 18 इयर्स के बिफोर ये कानून लागू नहीं हुआ और ये निरभ्या का केस हुआ था ना उसके बाद में पोस्को का कानून अल्लाह ये इंडिया के कोर्ट ने बनाया था पोस्को के कानून में बेल नहीं मिलती तो वापिस उसकी बेल कैंसिल होगी तो वो तो जेल में उसको तो इतना कॉन्फिडेंट था और वो के मेरे हाथ उसको तो जो ये बड़े बड़े नेता है ना उसके सामने जाके झुकते थे मोदी उसके सामने जाके झुका रहा था था वो उसको बोला था कि मेरा जो ये है वो कितने सारे वोट उसकी तरफ से उसको मिले थे सारे नेता कांग्रेस के नेता भाजपा के नेता उसके आश्रम में जाते थे तो वो लड़की को क्या बोलता है कि मेरे हाथ में तो पूरी सत्ता है मेरे सामने सब झुकते हैं तो तू भी मेरी भक्त बन जा तो उसने सब कोर्ट में जाके बोला और वकील ने लास्ट में कहा कि इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि ये जो उसका पाप है वो सबसे बुरा है क्योंकि उसने अच्छाई के सहारा लेके उसने पाप किया है तो इसका तो कोई माफी होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसने तो संत के नाम के ऊपर एक धप्पा मारा है अगर कोई नॉर्मल इंसान गुना करता है और कोई एक लीडर करता है तो अल्लाह किसको ज्यादा सजा देगा अल्लाह ने कहा है कि जो कुरान का इलम रखता है उसको अल्लाह ज्यादा सजा देगा कंपेयर टू जिसको नॉलेज नहीं है तो वो सेम एग्जाम्पल वो वकील ने भी कोर्ट में बोला आसाराम कि ये अगर इसको हम सजा नहीं देंगे इसकी सजा दूसरे नॉर्मल लोगों से तो बहुत ज़्यादा उसको तो फांसी पे लटका दो ऐसा उसने बोला क्योंकि उसका जो दूसरा वकील था उसने सारे एग्जाम्पल भी दिए कि लड़की का उसने कोई गलत काम नहीं किया उसके साथ में ना ही उसका बलात्कार किया है वो इंपॉर्टेंट है ऐसे सारे सब यानी कि वो इतना बूढ़ा है इतना अच्छा काम किया है कोई भी दलील उसकी काम में नहीं आई ये तो एक दुनिया की नॉर्मल अदालत है तो आखिरत में तो तुम सोचो कि अल्लाह किस तरह से बदला देगा ये तो एक ऐसी निशानी अल्लाह दुनिया में भी इंसान को दिखाता है तो वहाँ तो कोई दलीलें नहीं चलेगी तो वो ज़्यादा हकदार था बुराई का क्योंकि उसने अच्छाई की आड़ में अच्छाई का जो वो प्रतीक था उसके हिला सिलावा, उसने वो गुना किया बाकी मुसलात